नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें आपके PTET के एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुके हैं और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको एडमिट कार्ड कैसे निकालना, वैसे सिंपल है और किसी प्यारे भाई बहनों से एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहे उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आपको फाइंड करना है गूगल में, क्या करना है देखिएगा, PTET DCB देखिएगा, यहाँ पे ये लिखा रहा है, देखिए ये पूरा लिखा रहा है ना, PTET DCB 2020.com। ये आप जब फाइंड करेंगे पूरा, ठीक है, तो ये फाइंड करेंगे पूरा तो ये इस प्रकार की आपके लिए वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी आगे। अब देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट ओपन हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये ओरिजिनल वेबसाइट, ध्यान रहे कोई है जो दूसरी वेबसाइट, आप फेक वेबसाइट ना खोलो, फिर वहाँ पे जो आप भटकते रहेंगे, मतलब कि एडमिट कार्ड वहाँ पे कोई शो नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपकी यदि 4 वर्षीय बीएड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यदि आपकी 2 वर्षीय बीएड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हम ये है जो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वर्षीय वाली पे क्लिक कर दिया, कहाँ पे, इस पे क्लिक किया, किसी भाई बहन की 2 वर्षीय है या फिर 4 वर्षीय वाले भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो आगे जो है ये पेज ओपन होगा, ठीक है, और ये पेज ओपन हो गया, देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा है, तो इस पर आपको करना है क्लिक, ठीक है। वैसे नॉर्मल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत नॉर्मल है, सिंपल है। अब देखिए ये आ गया आपका, देखिए रोल नंबर, आपको ये आपके मैसेज आया हो तो रोल नंबर लगाइएगा, या फिर जो है फॉर्म नंबर, फॉर्म पे लिखा हुआ है फॉर्म नंबर, वहाँ से फॉर्म नंबर ज़रूर लिखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका फॉर्म नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फॉर्म नंबर जो है, जैसे कि मैंने ये टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे ही टाइप किए मैंने फॉर्म नंबर, उसके बाद आपका ये जो एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे आप मोबाइल में प्रिंट लेना चाहो तो मोबाइल में प्रिंट ले सकते हो, और इस प्रकार से जो है ले सकते हो, ये आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। जैसे कि अब ये एडमिट कार्ड में सारे के सारे निर्देश जो है दे रखे हैं यहाँ पे नीचे, देखिएगा, ठीक है। तो ये निर्देश वगैरह सारे के सारे पढ़ लेना आप, और इंग्लिश में, और इंग्लिश यदि आपको कमी है तो कम है, आपकी कमज़ोर है, तो इसको ट्रांसलेट ज़रूर कर लेना। वैसे जो है मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा कि ये क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, सारी की सारी अपडेट है जो दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर लीजिएगा अभी तक आप में से किसी ने नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये तो था, जैसे कि ये तो इसका था 2 वर्ष वाले का, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, 4 वर्ष जो है ना बीएड, उसके बारे में अपन यहाँ पे बैक आते हैं और यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे कि ये BSc BEd ये ना 4 वर्षीय वाली, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही प्रोसेस है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे भी आपको वही डालना है रोल नंबर या फिर एप्लीकेशन यदि आपके पास जो भी हो, जैसे ये डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये होनी जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस है, वैसे कोई लंबा चौड़ा नहीं है, नॉर्मल है, एडमिट कार्ड निकाल दीजिएगा। आप सभी को एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो सफल हो इसमें, और आपने अच्छी तैयारी जैसे कि BSTC में की थी, और अब भी आप है जो 4 दिन जो रहे हैं इसमें भी बेटर तैयारी कीजिएगा। और दोस्तों, प्लेलिस्ट अपने क्लासेस पे भी प्लेलिस्ट, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है अभी तक, वो है जो प्लेलिस्ट में अपलोड है, प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की अलग अलग बन रखी है, और डेली 4-4 क्लासेज अपलोड हो रही है आपके लिए, लाइव क्लास आती है, तो इसमें भी आप है जो ज़रूर भाग लीजिएगा। और आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।